गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां के सुबह 7 बज चुके हैं और जो 7 बजे का टाइम स्लॉट होता है वो आप सबको अब तक तो मालूम पड़ ही गया होगा कि वो टाइम है करंट अफेयर्स का। और तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने लोग आ चुके हैं, और प्लीज़ एक बार से रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब भाई पहले बात कर लेते हैं कि सेशन में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इट्स हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा है मैम चिल्ड्रंस डे पे क्या गिफ्ट मिलने वाला है। यार, चिल्ड्रंस डे पे गिफ्ट जो मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपसे ये कह दें, सेशन सुबह 7 बजे लेके आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो अब यार मेरी जो आपसे उम्मीदें हैं वो ये हैं कि आप जल्द से जल्द सिलेक्शन लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लाइफ में। अगर आप सेटल नहीं हो तो लाइफ जो है बहुत टफ हो जाती है। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। अब साथ में यार सेशन को क्या करना है, आपको शेयर करना शुरू कर दो। चिल्ड्रंस डे है तो उसमें हम लोग के एग्जाम पॉइंट से क्या चीज़ें पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो सेशन में क्या क्या आज रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एमसीक्यू होंगे जहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, और जितनी भी पुरानी न्यूज़ रहेगी वो भी हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे। इसके बाद न्यूज़ का सेशन देखने को मिलेगा। अब आपको मालूम है कि जो ब्रिक्स है वो चल रहा है कहाँ पे, ब्राज़ील के अंदर, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इन्विटेशन भी दे दिया है कि जो अभी 26 जनवरी आएगा उसके लिए इन्विटेशन भी दे दिया गया है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो सेशन रहेगा या फिर जो सेक्शन रहेगा वहाँ पे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। लास्ट में जाके कुछ देखेंगे हम लोग स्टैटिक के क्विज, जहाँ पर आप लोग आंसर करेंगे और उसको करेक्ट करते हुए हम चलेंगे अगर वो गलत होगा तो। और लास्ट में क्या होगा, एज यूजुअल जो आपको होमवर्क का सेशन मिलता है। ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आज है 14 नवंबर, सबको ये चीज़ पता ही है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेशन ख़त्म होने के बाद आपको करीबन 5 पॉइंट ऐसे हिस्ट्री में से निकाल के लेकर आने हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से जुड़े होंगे। चाहे वो हिस्ट्री में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा हो, चाहे उन्होंने कोई कमेटी फॉर्म करी हो, या फिर किसी भी कमेटी को उन्होंने हेड किया हो, ये सारी चीज़ें आप मुझे टोटल 5 पॉइंट में बताएंगे सेशन ख़त्म होने के बाद। ठीक है, चलो। सबसे पहली चीज़, जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म है, जो उनकी बर्थ है, वो कब हुआ है, 14 नवंबर को है, सबको पता है। कौन से ईयर में हुआ है, 1889 में हुआ है। इसके बाद इनका जो बर्थ है वो कहाँ पर, प्रयागराज में हुआ। यहाँ पे इलाहाबाद मेंशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और अब इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। सेकेंडली, ये सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। ये बच्चों वाले पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ INC इन 1929। अब आपको ये चीज़ पता ही है कि INC जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो बनाई गई थी कब, 1885 में, इसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। कौन से ईयर में, 1929 में इन्होंने काम भी किया है एज अ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखो, अच्छा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ INC की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ इनके नाम से जुड़ी हुई कुछ किताबें भी आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके साथ में ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब आप मुझे ये भी बताएंगे जो भारत रत्न अवार्ड है, क्या वो नेहरू जी को दिया गया था? अगर नेहरू जी को दिया गया था तो इनका जो नाम है वो किसने प्रपोज किया था, यानी कि उनका जो नाम है सबसे आगे लेकर कौन गया था। ये सारे के सारे 5 पॉइंट आप मुझे बताएंगे। सबसे पहला होमवर्क हो गया, मतलब सेशन शुरू और होमवर्क आपके लिए शुरू होता जाता है। नेक्स्ट देखो, इनकी डेथ कब हुई है, 1964 में हुई है, और इनका जो मेमोरियल है उसका नाम क्या है, शांति वन इस मेमोरियल का नाम है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में, और कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ये भी आपको बता देते हैं, यमुना नदी के किनारे देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं अगर आप लेट हो गए हो, कोई बात नहीं, सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब देखो आज के न्यूज़पेपर की जो मेन हेडलाइंस थी पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, जेर बोल्सोनारो, टू चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2020। अब आपको ये तो पता ही है कि भैया रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि यही नहीं पता है कि रिपब्लिक डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है। तो अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि जो रिपब्लिक डे होगा कौन सा वाला, 2020 वाला, उसके चीफ गेस्ट के रूप में कौन आ रहे हैं, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आज की न्यूज़ का यही है। इसके साथ जो दूसरे आपके लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा वो क्या है, 39th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसकी भी शुरुआत होने जा रही है। और ये कहाँ शुरू होने वाला है, ये भी नई दिल्ली में इसकी शुरुआत होने वाली है। तो आज जब ये शुरू हो जाएगा, फिर इसको इनोग्रेट किसने किया, क्या क्या आउटकम्स हुए, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी चीज़ें शुरुआत होने दो, क्योंकि अब न्यूज़पेपर में था तो मैंने सोचा आपको एक बार बता दें, एटलीस्ट दिन भर में जो चीजें आएंगी अगर इससे जुड़ा हुआ होगा तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पॉइंट स्ट्राइक करेगा। ठीक है, देखो ये है वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस जो मैंने आपको सवाल दिए थे। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे था ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट इज रिलेटेड टू, यानी कि ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो रिपोर्ट है ये अभी हाल ही में G20 के जितने भी देश हैं उनसे जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी के द्वारा इसको जारी किया गया। अब देखो इस रिपोर्ट में है क्या, देखो इसमें यह बताया गया है कि G20 के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, जितने भी मेम्बर कंट्रीज़ हैं, उन सब ने कितने अच्छी तरीके से काम किया है कि जो हमारा क्लाइमेट है या फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर पॉल्यूशन जो है, जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे देखो ग्रीन लिखा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है हम किसके बारे में बात करेंगे, हम एनवायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट आई है ब्राउन टू ग्रीन ये किससे जुड़ी हुई है? एनवायरमेंट से जुड़ी है। कौन सी कंट्रीज या फिर कौन से देशों या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है? आंसर G20। कौन इसको रिलीज करता है? क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी। दिस इज द पेट सवाल और आप कह लो बिल्कुल फेवरेट सवाल है यूपीएससी का। एक ना एक रिपोर्ट का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि भैया इसको पब्लिश कौन करता है, तो बैठा लीजिएगा अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब देखो इसमें हुआ क्या, रिपोर्ट आई है तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स बताए होंगे ना। तो उन्होंने ये बोला है कि इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है और जो पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर बात बोली गई थी कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो वहाँ पे जो खतरे की घंटी है वो बच जाएगी। अब इंडिया ने इतनी अच्छी तरीके से काम यहाँ पर किया है कि इस लेवल को रीच तो किया लेकिन इको फ्रेंडली फॉर्म में ये देखने को मिला। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवल है ना इसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी क्लाइमेट चेंजेस या फिर क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो देखने को मिलती है। तो अगर पूछा जाता है कि G20 में से सबसे अच्छी तरीके से कौन सी कंट्री ने काम किया? इंडिया। और अगर पूछा जाए सबसे वर्स्ट कौन रहा या फिर उस लिस्ट में सबसे बॉटम में कौन रहा तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड सवाल मेरा था या फिर सेकंड क्वेश्चन मेरा था इंदिरा एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। इंदिरा अभ्यास जो है ये कौन कौन से देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? बिल्कुल किडिश क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कई बार आपको बता चुके हैं, IND को इस तरीके से ब्रेक करो, IND फॉर इंडिया हो जाएगा, RA फॉर रशिया हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया। अब देखो अगर पूछा जाता है यहाँ पे रशिया के बारे में तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो इसकी कैपिटल होगी मॉस्को। सेकेंडली यहाँ पे अगर करेंसी पूछ ली जाएगी तो करेंसी क्या होगी? रूबल होगी। और जो हमारे पीएम हैं, पीएम मोदी जी, वो व्लादिवोस्तोक में जाने वाले सबसे पहले पीएम बने हैं इंडिया से। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया की तरफ से सबसे पहले पीएम जो व्लादिवोस्तोक गए हों, तो आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या याद रखना है, यहीं पर आपको एक रिवर भी मिलती है, एक नदी भी है जिसका नाम है वोल्गा रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि वोल्गा रिवर जो है वो कौन सी कंट्री में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रशिया होगा। अगर पूछा जाता है कौन से कॉन्टिनेंट में तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल था मेरा मैरेंगो सचिन तेंदुलकर इज वॉट या फिर इज रिलेटेड टू वॉट। तो सवाल आपने अगर पढ़ा था ध्यान से तो आप इसका आंसर कर लोगे क्योंकि अभी हाल ही में एक नई प्रजाति मिली है, एक नई स्पीशी मिली है किसकी? स्पाइडर की, और उसका नाम रखा गया है सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर। तो बी प्रिपेयर्ड, आपसे इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग जितने लोग अभी अभी जुड़े हैं। ठीक है, ओके। NDPC का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा यार? दिसंबर का जो टाइम है वो दिया गया है तो मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं कि ये और ज़्यादा पोस्टपोन होता है कि नहीं। वैसे चांसेस तो यही हैं कि ये और पोस्टपोन होगा। ठीक है, चलो अच्छा, ये बात समझ में आ गई, वोल्गा रिवर हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर पूछा जाता है कि ये जो नाम है ये नाम किसने दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव प्रजापति जी के द्वारा ये नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है भैया, नाम ध्यान रखना। जैसे कि आपको ध्यान आ रहा होगा ग्रीटा जो हैं, जो कि एक UN के अंदर एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनके नाम पर भी एक वीटल का नाम दिया गया था। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे से टर्म होते हैं ना कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं और रुला के जाते हैं। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने आंसर किया था, बड़े अच्छे तरीके से आंसर किया हुआ है, चाहे वो रामेश्वर जी हो, केशव नितिन हो, शिवम हो, इन सभी लोगों ने, ललित मिश्रा जी हैं, देवेंद्र कुमार हैं और सक्षम दुबे जी हैं, इन सब लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिटेल में आंसर किया। आंसर को हमेशा डिटेल में किया करो, ये हमेशा ही हम आपसे कहते हैं। चलिए अच्छा, अब पहला सवाल जहाँ से हम लोग पुराना वाला रिवाइज करते हुए चलेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सवालों के ऊपर। सबसे पहला, प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज इन विच स्टेट, यानी कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जहां पे अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कल मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस इसकी करी थी, अब आज आपको हम कुछ पॉइंट इससे रिवाइज करा देते हैं। देखो महाराष्ट्र आया तो यहाँ पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह जी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही डिमांड करी थी। क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर वहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं ऐसी है जो वहाँ सत्ता में आ सके या फिर गवर्नमेंट फॉर्म कर सके तो गवर्नर के पास राइट होता है कि वो किसी भी पार्टी को इन्वाइट करेगी। इन्होंने यहाँ पे तीनों पार्टी को इन्वाइट किया लेकिन कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट से अपील कर सकता है कि वहाँ वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। सेकेंडली, गवर्नर का नाम मैंने आपको बता दिया। अगर पूछा जाए कौन से आर्टिकल के अंदर ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है तो आंसर क्या होगा, 356 क्लॉज नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब महाराष्ट्र आ रहा है तो सबसे दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहीं पर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम है तडोबा नेशनल पार्क। सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले स्नेक की एक नई स्पीशी मिली थी जिसका नाम रखा गया था तेजस ठाकरे के नाम पे। तो अब जहाँ जहाँ पे ठाकरे आएगा ना, बस ध्यान रख लेना भैया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी कर दिया है रिगार्डिंग दिस प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र में ही आपको एक झील भी देखने को मिलेगी, एक लेक भी है जिसका नाम है लूनर लेक। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो बी प्रिपेयर्ड, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यहीं पर आपको अजंता केव्स, एलोरा केव्स भी देखने को मिलती है महाराष्ट्र के अंदर ही। और अजंता केव्स जो हैं ये कंप्लीटली कौन से धर्म से जुड़ी हुई है, तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो सवाल है ये यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में 2018 में पूछा भी गया था। तो ये छोटे छोटे सवाल है ना, चाहे वो आपका एसएससी हो, इवन बैंकिंग में भी यार आजकल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो बी प्रिपेयर, ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अच्छा मेरे एक सवाल का आंसर करो जल्दी से, अगर किसी भी जगह पर या फिर किसी भी स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो वो मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए रह सकता है? आंसर करो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि मैक्सिमम ये कितने टाइम तक वहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है। फटाक से आंसर करो, जल्दी से आंसर करके बताइए कि मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए वो इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, उन ऑप्शन में से क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो ध्यान दो। सबसे पहली चीज, गुजरात के अंदर अभी हाल ही डिक्लेयर किया गया कि एक सीएनजी पोर्ट बनाया जाएगा। गुजरात के यहाँ पे सीएम कौन है, विजय रूपाणी जी हैं, और गवर्नर कौन हो जाएंगे, आचार्य देवव्रत जी हैं। यहीं पर गांधीनगर देखने को मिलता है जिसको अभी हाल ही में केरोसिन फ्री डिक्लेयर किया गया है। 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखो, प्रेसिडेंट रूल जो है वो महाराष्ट्र के अंदर इम्पोज कर दिया गया है और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में इस पॉइंट को बैठा लीजिएगा, ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है। अब देखो केरला से क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे भी कुछ टाइम पहले ही जो गवर्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया, आरिफ मोहम्मद खान जी। नेक्स्ट यहाँ पे सीएम का नाम पिजयन जी। और एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स दोनों में केरला जो है वो आपको टॉप पे देखने को मिला। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हेल्थ इंडेक्स है ये जारी कौन करता है, तो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट, केरला में ही आपको विमेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी देखने को मिलेगा जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगा। हाँ प्लीज, संदीप जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है 3 इयर्स। सवाल को ध्यान से सुना करो, मैंने ये नहीं पूछा है कि कितने टाइम तक के लिए रह सकता है, तो आंसर हो जाएगा 6 मंथ। मेरा सवाल था कि मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए रहता है। दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं कि अगर इम्पोज किया गया है तो कितने टाइम तक के लिए रहेगा, 3 महीने के लिए, यहाँ पे 6 मंथ के लिए रहेगा। और अगर पूछा था मैक्सिमम कब तक के लिए इम्पोज हो सकता है, तो 3 साल के लिए इम्पोज किया जा सकता है, बट कंडीशन हर यहाँ पे 6 महीने पे अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो जीएस के पार्ट की हैं, ये सर आपके साथ डील करते हैं शाम को 7 बजे। और शाम के 7 बजे जितने भी लोग यहाँ से, मैंने आपको बताया था कि सेशन होगा वो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो उस सेशन को बिल्कुल बाहुबली सेशन बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट देखो, कर्नाटका। कर्नाटका में आपको ध्यान क्या क्या रखना है, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी इंडेक्स के अंदर टॉप किया किसने, कर्नाटका ने। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भी किसने टॉप किया, कर्नाटका ने। और केम्पागोंडा, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है, ये बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को मार्क करिएगा। नेक्स्ट देखो, आसाम लिखा हुआ है, तो आसाम से सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में आना चाहिए क्या, मानस नेशनल पार्क आएगा, उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क आएगा, माजुली आइलैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ देखने को मिलेगी, और बोडो नाम की जो ट्राइब है वो भी यहीं पर देखने को मिलेगी। ये तो हो गया स्टैटिक। अब जरा आ जाओ न्यूज़ के सेक्शन पे। स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पर, आसाम के अंदर। प्लान फॉर प्लास्टिक, ये जो कैंपेन है ये भी यहीं पर चलाई गई। इसरो और IIT गुवाहाटी के बीच में टाइप हुआ है। उसके बाद गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट बुक फेयर भी शुरू किया गया, और खेलो इंडिया 2020 कहाँ, गुवाहाटी के अंदर इसी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। समझ गए, गॉट इट, पॉइंट समझ आ गया। NTPC के लिए आज जो क्लासेस है ना वो शाम को 7 बजे सर कंडक्ट करते हैं, तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो कल वाला जो सर का वीडियो था उसके नीचे जाके आप सर से सवाल अपना कर सकते हो। ठीक है, सर उसका आंसर करेंगे अगर NTPC से रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल करेक्ट, नीति आयोग जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंसिडर करी जाती है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये संवैधानिक इकाई नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे कि कैग होता है ना, अटॉर्नी जनरल होता है, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। 11.35 लाख गोल्डन कार्ड इशूड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि हाल ही में इतने गोल्डन कार्ड जो हैं वो अभी आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जारी किए गए हैं, कौन से राज्य में या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर इसको लागू किया गया या फिर वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो कार्ड हैं वो इंश्योरेंस के अंदर आए हैं। आंसर क्या होगा, आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। कल मैंने ये पॉइंट आपको बताया था, अब ज़रा देख लो यहाँ से क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। देखो जम्मू कश्मीर की बात आई है तो यहाँ पर आपको दो झीलें देखने को मिलेंगी, सबसे पहले डल और वुलर। वुलर जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, साफ पानी की झील है, और जो डल वाला एरिया है ना ये धीरे धीरे करके ना श्रिंक करता जा रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इसको बहुत जल्दी इको सेंसिटिव जोन के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड, अगर पूछा जाता है कि ये जो डल लेक है वो कहाँ पर है तो आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पर अगर हम देखें तो अभी हाल ही में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, कब बनाया गया तो 31 अक्टूबर को इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यानी कि जो विधान परिषद है उसको भी भंग कर दिया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया जब भी कहीं से भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कहीं पे भी कोई पॉइंट आएगा तुरंत से सवाल वहां से आपसे पूछा जा सकता है, हमेशा स्टैटिक को किस तरीके से आपको जीए से कनेक्ट करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बाकी जो ऑप्शन है उनके साथ क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले देखो लद्दाख के अंदर सबसे पहले आरके माथुर जी को अपॉइंट किया गया एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि उप राज्यपाल के रूप में। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, कौन, गिरीश मुर्मू जी। ओके वेरी नाइस, सबके आंसर आ गए हैं। हेमीज नेशनल पार्क कहाँ पे है यार ये बताओ, अच्छा पीडीएफ यार 11 बजे मिल जाता है, सेशन के जस्ट नीचे देखोगे सबसे पहला कमेंट जो पीडीएफ का ही होता है, प्लीज एक बार चेक जरूर करिएगा, बट 11 बजे करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मणिपुर में अगर देखें तो यहाँ के गवर्नर कौन है तो नजमा जी हैं, त्रिपुरा में देखो तो रमेश व्यास जी हैं, अरुणाचल प्रदेश में बीडी मिश्रा जी हैं। अब न्यूज़ क्या है देखो, लद्दाख में अगर बात करें तो अभी हाल ही में यहाँ पे जो ले पैलेस है वहाँ पर लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, इसके साथ यहीं पर पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो मैराथन है वो भी कंडक्ट करी गई ले के अंदर। ले में ही कुछ टाइम पहले अभी मिनी कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज करी गई थी, और लद्दाख के अंदर ही आपको हेमीज नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा जो कि इंडिया का हाईएस्ट नेशनल पार्क भी है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना। दूसरा देखो जम्मू कश्मीर, सारे पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट देखो आया मणिपुर, मणिपुर से सबसे पहला पॉइंट याद रखना है आपको लोकटक लेक के बारे में। लोकटक झील जो है वो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी झील है, साथ में यहीं आपको केबुल लामजोआ नेशनल पार्क जो है वो भी देखने को मिलता है, जहां आपको देखने को मिलेंगे शंघाई डियर्स, शंघाई डियर्स, और ये जो शंघाई डियर्स हैं इन्हीं के नाम पे शंघाई फेस्टिवल जो है वो भी मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। फेस्टिवल्स वगैरह जो है ना अक्सर एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा शंघाई फेस्टिवल पूछा जाए तो चाइना मत चले जाना, इंडिया में ही रहना भैया, इंडिया में ही मनाया जाता है, कहाँ, मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ त्रिपुरा, कल मैंने आपको बताया था ब्रू ट्राइब के बारे में, तो ये जो ब्रू ट्राइब है ये माइग्रेट करके कहाँ से आई है, मिजोरम से त्रिपुरा के अंदर आई है, तो त्रिपुरा भी आजकल चर्चा में है, इसको ध्यान रखना। सेकेंडली त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक जो रिवर है जिसका नाम है फेनी, इसको लेके विवाद था, डिस्प्यूट था, अब धीरे धीरे करके ये विवाद भी खत्म होता जा रहा है, तो फेनी रिवर के ऊपर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, ईटानगर इसकी कैपिटल है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर हिम विजय नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई। सेकेंडली यहीं पर आपको नामदफा नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, तो ये कुछ छोटे छोटे से स्टैटिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम आपने बता दिया है, ओके थैंक यू सर। साउंड प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कम आ रही है, प्लीज़ टेक्निकल टीम प्लीज़ चेक इट। अब देखो अगला सवाल क्या है, पीएम मोदी इज इन ब्राज़ीलिया टू अटेंड विद समिट, बिल्कुल किडिश क्वेश्चन है, सवाल मेरा ये है कि पीएम मोदी जी जो हैं वो ब्राज़ीलिया में हैं, यानी कि ब्राज़ील की कैपिटल में है, कौन से सम्मेलन या फिर कौन से समिट को अटेंड करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिक्स। अब बाकी ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो यूएनडब्ल्यूटीओ क्या है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है भैया, इसको WTO मत कर लीजिएगा, क्योंकि पहले आप लोग ये चीज़ कर चुके हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा मैड्रिड, स्पेन की जो कैपिटल है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अभी कुछ टाइम पहले वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया गया 27 सितंबर को, और इस बार जो होस्ट कंट्री थी वो इंडिया रही है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ब्रिक्स की बात करेंगे तो अभी जो सेशन चल रहा है या फिर अभी जो समिट चल रही है, कौन सा एडिशन है, 11th है, कहां पर, ब्राजील के अंदर। अगला वाला जो होगा वो रशिया में होगा, कौन सा एडिशन होगा, 12th एडिशन होगा। आसियान जो है वो अभी बैंकॉक के अंदर हुआ, कौन सा एडिशन है, 35th एडिशन है। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखो अगला वाला कहाँ होगा, वियतनाम में होगा। RCEP जो है उसका थर्ड एडिशन कहाँ पर हुआ, बैंकॉक में। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ आसियान होगा वहीं पर RCEP भी होगा और वहीं पर EAS भी होगा। EAS क्या है, ईस्ट एशिया नेशंस है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा भैया। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म बता दो, सार्क का फुल फॉर्म बता दो, आसियान का फुल फॉर्म बता दो। एटलीस्ट जितने भी फुल फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, और ब्राज़ील की करेंसी जो है वो रियल है, बिल्कुल करेक्ट, वेरी नाइस। अब देखो यहाँ पे इंडिया में टोटल कितने हाईकोर्ट्स हो गए हैं भैया, 25 हो गए हैं, 24 थे अभी तक, अब 25 हो गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे G20 जो है वो 2019 जापान ओसाका में ऑर्गेनाइज हुआ, सऊदी अरेबिया में। अगला वाला होगा 2020 में, इटली में होगा 2021 का, और इंडिया में होगा 2022 का। नेक्स्ट फ्रांस के अंदर यहाँ पे G7 जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ 2019 का, और नेक्स्ट वाला जो होगा वो 2020 में ऑर्गेनाइज होगा USA के अंदर। अगला सवाल, हु इज हेडिंग दी नेशनल वाटर पॉलिसी, यानी कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय जल नीति जो है उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, या फिर उस कमेटी के हेड अपॉइंट किए गए हैं। आंसर क्या होगा, मेहर शाह। अब देखो इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट और बाकी जो ऑप्शन है उनसे जुड़े हुए क्या क्या पॉइंट्स हैं, फटाफट से झटाक से देख लो। सबसे पहला पॉइंट, मेहर शाह जो है ये अभी हाल ही में नेशनल वाटर कमीशन जो है उसके हेड के रूप में काम कर रहे हैं। भैया काम क्या है, क्यों बनाई गई है, देखो वाटर कंजर्वेशन को लेकर हमेशा हम लोग को प्रॉब्लम रहती है। हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ख़राब है, काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ सूखा पड़ा रहता है, रिवर्स जो हैं वो ड्राई हो रही हैं, लेक्स जो हैं वो श्रिंक कर रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब यहाँ पे नेशनल वाटर कमीशन जो बनाई गई है इसका काम होगा कि वाटर जो है उसको किस तरीके से हमें कंजर्व करना है, और क्या क्या स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं, और क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से जो सूखा पड़ रहा है इंडिया के अंदर वो कम किया जा सके। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर कमेटी बनी है, जिसको हेड कौन कर रहे हैं, मिहिर शाह जी इसको हेड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस कमेटी के अंदर टोटल मेंबर कितने, 10 मेंबर्स हैं, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉर अ नॉलेज एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो दूसरा नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंजनी कुमार, तो अंजनी कुमार को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया एज अ एम्बेसडर फॉर माली, ठीक है, माली के लिए इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अमरेश्वर प्रताप साही, इनको अभी हाल ही में चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है, कहाँ पर, मद्रास के अंदर। नेक्स्ट है संजय कैरोल, इनको अभी हाल ही में चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है, कहाँ पर, पटना के अंदर। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट आपको रिकॉल करा दें, जब भी किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आएगा तुरंत ध्यान रखिएगा कि इनको जो शपथ दिलाने का काम होता है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति होती है, जो अपॉइंटमेंट होता है वो हमेशा कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगला सवाल, थोड़ा सा यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सेक्शन आया है, फटाक से जरा इसको आंसर करिएगा। SBI जो है अभी हाल ही में उसने इंडिया की जो GDP है कौन से ईयर के लिए, फाइनेंस ईयर 20 के लिए कितनी बताई है, ऑब्वियसली बात है डिक्रीज करी होगी, तो जल्दी से बता दो कितनी बताइए जल्दी से। अक्टूबर का जो PDF है वो 8 अक्टूबर का आप सेशन देखिएगा, एक बार 8 अक्टूबर का सेशन को सर्च करना, उसके जस्ट नीचे आपको अक्टूबर का कंपाइलेशन मिल जाएगा, 1 से 15, उसके बाद 16 से 31। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करके बताओ, सेशन को यार लाइक और शेयर करते जाना, कहना भूल गए थे हम। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5%। अब देखो पॉइंट क्या है यहाँ पे, आप सबको पता है कि इंडिया की ग्रोथ रेट है वो किस तरीके से डाउन होती चली जा रही है। मूडी जो है ये एक तरीके की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है USA की, अभी हाल ही में इन्होंने ये बोला है कि इंडिया की जो ग्रोथ है ना वो निगेटिव में जाने वाली है। इसके इन्होंने बहुत सारे रीजंस भी बताए हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर मूडीज़ ने किसी भी एजेंसी की क्रेडिट रेटिंग करी है, अगर उसको रेटिंग किया हुआ है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इनकी जो रैंकिंग है या फिर इनका जो एस्टिमेशन आता है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर मूडीज़ ने किसी भी कंपनी को बहुत अच्छी रेटिंग दे दी, मतलब समझ लो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो ध्यान रखिएगा, मूडीज़ ने अभी कुछ टाइम पहले बोला कि नेगेटिव में जाने वाली, ठीक है। पहले उन्होंने बोला था 6.2 होगी, फिर उन्होंने बोला 6.1 होगी, फिर उन्होंने बोला 6 होगी। अब कितने याद रखोगे, इतना याद नहीं रखना है, रिसेंट वाले जितने चेंजेस हो रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। अब देखो पॉइंट क्या है यहाँ पे, GDP जो रखी गई है वो अब कितनी बताई है, 5% बताई है, और पहले कितना था, 6.1% थी। किसने बताई है, SBI ने, और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिच जो है ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है यूएसए की। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि इंडिया की जो जीडीपी है फिजिकल डेफिसिट बढ़ने की वजह से अब यहाँ पे इनका जो जीडीपी रेट आपको देखने को मिल रहा है वो नज़र ही आ रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि जब सरकार के जो खर्चे हैं ना वो बढ़ जाएं और इनके पास जो पैसा आता है वो कम हो जाए, यानी कि खर्चे ज़्यादा हैं और जो पैसा आ रहा है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसकी वो हम क्या कहते हैं या फिर इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम फिजिकल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो, आरबीआई ने बताया हुआ है कि इंडिया की जो जीडीपी रहेगी वो कितनी होगी, 6.1 देखने को मिलेगी। तो आरबीआई की ध्यान रख लो, एसबीआई की ध्यान रख लो, मूडीज ने नेगेटिव बताई है, स्टेबल बताई है, पॉजिटिव बताई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, एनवायरमेंट मिनिस्टर अप्रूव्स 2G इथेनॉल प्लांट विल बी फॉर्म्ड एट, यानी कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है जो आपको प्रकाश जावड़ेकर जी के पास देखने को मिलती है, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं कहां से, महाराष्ट्र से। बार बार ये पॉइंट रिकॉल करा रहे हैं यार, अब ये गलत नहीं होना चाहिए। अब 2G इथेनॉल प्लांट जो है वो इंडिया के अंदर कहां पर लगाए जाएंगे, आंसर क्या होगा, हरियाणा इसका आंसर है। अब देखो यहाँ पे लिखा है नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी बात हो चुकी है। नई दिल्ली के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट है, फटाक से देख लो। सीएम कौन है, केजरीवाल जी हैं। इसके साथ यहाँ पर अनिल बैजल जी जो हैं वो आपको एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेंगे। टोटल अगर हम देखें कि जितने भी हाई कोर्ट्स वगैरह हैं उन सब में से ये एक ऐसा आपको देखने को मिल रहा है यूटी जहाँ पर हाई कोर्ट मिलेगा। तो क्या अब ये एक लौता ऐसा यूटी है जहाँ हाई कोर्ट है? नहीं, अब यहाँ पे दो हो गए हैं, ध्यान रखना। जम्मू एंड कश्मीर एंड न्यू दिल्ली जो है वहाँ दोनों जगह पर आपको हाई कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। और ये वाला जो है ये कब बना है, 1966 में। इसके बाद आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने इसके बारे में आपको कुछ आर्टिकल नंबर बताया था, तो आर्टिकल नंबर क्या है यहाँ पर 239AA, जिसके अंदर दिल्ली को रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पर अभी कुछ टाइम पहले ग्लोबल बायो समिट ऑर्गेनाइज करी गई थी। इंडिया और जर्मनी के बीच में जो समिट हुई थी, इकोनॉमिक समिट नहीं बोलिए, सिर्फ समिट बोलिए, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, नई दिल्ली के अंदर ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और दिल्ली जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, तो आंसर विल बी यमुना। यमुना है, जमुना मत करके आना, यहाँ पे जमुना माँ करके मत आ जाइएगा। वेरी नाइस, आप लोगों ने आंसर कर भी दिया है। अब देखो यहाँ से कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट हैं, ओके आर्टिकल्स भी आप लोगों ने बता दिए हैं, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, वेरी नाइस। अब देखो यहाँ पे क्या है, हरियाणा में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे, 90 सीट्स पे इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पे जो सीएम अपॉइंट हुए हैं वो फिर से आपको मनोहर लाल खट्टर जी देखने को मिले। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इलेक्शंस अभी कंडक्ट हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। डिप्टी सीएम के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, तो दुष्यंत चौटाला जी को एज अ डिप्टी सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, रविशंकर झा जी हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले कुछ स्कीम्स वगैरह भी इनके द्वारा शुरू करी गई हैं, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी, जो यहाँ पे एक योजना है वो भी स्टार्ट हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री व्यापारी बीमा योजना जो है वो भी स्टार्ट करी गई है। एग्जाम में क्या होता है, कोई भी आपको जैसे कि स्कीम दे दी गई और पूछा जाएगा कि ये जो स्कीम है वो कौन से स्टेट में स्टार्ट हुई। अब बत्ती गुल हमें तो पता ही नहीं यार, हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं, तो आपके साथ ऐसा ना हो तो ध्यान रखिएगा कौन से स्टेट में कौन सी स्कीम स्टार्ट हुई है। फॉर एग्जाम्पल चलो अच्छा यहीं पर देख लेते हैं, जैसे कि रायतो बंधु स्कीम है, कहाँ पर स्टार्ट हुई, तो अब आपको पता होना चाहिए तेलंगाना में स्टार्ट हुई। इसके बाद अगर पूछा जाता है कि भरोसा या फिर YSR भरोसा जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हुई, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ पर स्टार्ट हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलो आप जरा शुरुआत कर देते हैं न्यूज़ सेशन के में। सबसे पहली जो न्यूज़ रखी है वो मैंने हरियाणा ही रखी है, क्योंकि हरियाणा भी जस्ट देखा हमने, तो हरियाणा से और क्या न्यूज़ आई है वो देखो। सबसे पहली चीज़, हरियाणा गवर्नमेंट ब्रिंग्स मोर क्रॉप अंडर भावंतर भरपाई योजना स्कीम। अब देखो यहाँ पे हरियाणा सरकार जो है उसने जो स्कीम वहाँ पे चलती है भावांतर भरपाई योजना, इसके अंदर कुछ और फसलों को जोड़ दिया है। भाई ये काम क्या करेगी, क्यों इसको इसके अंदर जोड़ा गया है, तो सबसे पहली चीज़ देखो हम लोग बेसिक देखते हैं। MSP होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो फसलें वगैरह होती हैं, जो क्रॉप वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करती है कि कितने में कौन सी जो फसलें हैं वो बेची जाएंगी। अच्छा आपके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, MSP जो है वो अमाउंट कितना होगा वो डिसाइड कौन करता है, MSP कितना होगा वो जो अमाउंट होता है वो डिसाइड कौन करता है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यार अगर कोई सवाल छूट जाता है प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में आंसर करना। हरियाणा में अभी 90 सीट्स पे इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, और महाराष्ट्र पूछा जाएगा तो 288 सीट्स पे इलेक्शंस वहाँ पे हुए। अगर दिल्ली पूछा जाएगा तो वहाँ पे 70 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। अब देखो ये जो स्कीम है इसके अंदर क्या हो रहा है कि MSP प्राइस जो है यहाँ बोला गया है कि इसके अंदर अगर कोई भी फसल बेची जाती है तो वो उसी दाम पर बेची जाएगी जो कि सरकार ने निर्धारित किया है, जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। अब गवर्नमेंट के अंदर वो कौन सी काउंसिल है या कौन सी कमेटी है जो इसको डिसाइड डिसाइड करती है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अब इस स्कीम के अंदर क्या किया, इस स्कीम में कुछ और फसलों को भी जोड़ दिया गया है और यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई भी किसान ऐसा है जो कि सरकार के द्वारा तय की हुई राशि से कम दामों में अपनी फसलों को बेचेगा तो जितना भी बीच में बैलेंस रह जाएगा या फिर जितना भी कम दामों में वो उसको उठा के बेच रहा है उसको पूरा करने की जो जिम्मेदारी ली है वो हरियाणा सरकार ने ली है। तो सिंपल सा सवाल आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है ये कौन से स्टेट में चलाई गई, तो आंसर विल बी हरियाणा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हरियाणा यार बार बार हरियाणा आ रहा है, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब देखो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आरटीआई और सीजीआई के बारे में जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा था उसके ऊपर जजमेंट आने वाला था और कल जजमेंट आ भी चुका है। यहाँ इस जजमेंट में आपको दो पॉइंट देखने को मिले। सबसे पहला पॉइंट निकल कर आया आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। दूसरा पॉइंट निकल के आया राइट टू प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता का जो अधिकार है। ये दो वर्ड्स निकल कर आए। यहाँ पे बोला गया कि जो आरटीआई है जो आपको आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21 में मिलेगा, राइट टू प्राइवेसी जो है जो आपको आर्टिकल नंबर 21 के अंदर देखने को मिलता है। दोनों ही चीज़ों को आप पूरा डिस्कशन पूरी एनालिसिस यहाँ पे करी गई। अब आपको क्या ध्यान रखना भैया, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये भी तो पता हो, दोनों के आर्टिकल पता होने चाहिए। आरटीआई कब आया था इंडिया में, 2005 में। इसके बाद राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अब इसमें जजमेंट क्या हुआ है वो जजमेंट सुन लीजिएगा। ऑफिस ऑफ सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं अब इनको भी आरटीआई के अंदर रख दिया गया है। यानी कि अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कोई भी पॉइंट पता करना है, उनसे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अब उसको हासिल कर सकते हैं क्योंकि वो आरटीआई के अंदर आ गया है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सीजीआई की पोस्ट है वो एक तरीके की पब्लिक अथॉरिटी है और आरटीआई के अंदर जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज आती हैं वो सारी की सारी इंक्लूड करी जाती हैं। बट पॉइंट जो यहाँ बीसीसीआई है, लोधा कमेटी आपको ध्यान आ रहा होगा काफ़ी पहले बनी थी, बीसीसीआई जो है वो अभी तक आरटीआई के अंदर नहीं आई है। इंडिया का जितना भी डिफेंस सेक्टर है वो भी आरटीआई के अंदर नहीं आता है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी आरटीआई के अंदर नहीं आती हैं। तो जो नहीं आती हैं पहले तो वो ध्यान रखना है और उसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है। ऑल्दो आपको इतना कुछ रीड करना, जो इसका पूरा कंक्लूजन था वो मैंने आपको बता दिया कि जो सीजीआई की पोस्ट है अब वो आ जाएगी आरटीआई के अंदर। अच्छा, ऑफिस लिखा हुआ है, अब क्या करें यार, सवाल दिमाग में आते रहते हैं, सोचते हैं कि पूछ लेते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करके बताओ इसके लिए आर्टिकल नंबर क्या है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं अगली वाली न्यूज़ की तरफ। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 124 है, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 214 है। दोनों ही ध्यान रखना। और इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स जो हो गए हैं वो अब आपको 25 देखने को मिलेंगे। अमरावती के अंदर नया हाई कोर्ट डेवलप किया जा रहा है और अभी तक 24 हाई कोर्ट्स देखने को मिलते थे। ठीक है, अगली न्यूज़ देखो, यहाँ पे हर्षवर्धन जी से जुड़ी हुई है। यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन इनोग्रेट्स एग्जीबिशन ऑफ टेक्नोलॉजीज इन फूड प्रोसेसिंग एट न्यू दिल्ली। यानी कि अभी हाल ही में जो हर्षवर्धन जी हैं जिनके पास आपको स्वास्थ्य मंत्रालय देखने को मिलता है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? चांदनी चौक टू चाइना, वो आपको याद ही होगा। चांदनी चौक इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री देखने को मिलती है। पॉइंट क्या है, अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेसिंग की एक पूरी आप कह सकते हो कि एक कॉन्फ्रेंस हुई, आप ये कह लो कि एक एग्जीबिशन लगाई गई, उसको इनोग्रेट किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया है। फूड प्रोसेसिंग जब भी आएगा ना तो आपके दिमाग में तुरंत से स्ट्राइक करना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं मेगा फूड पार्क्स की। मेगा फूड पार्क्स में अगर देखो तो इंडिया का सबसे पहला जो मेगा फूड पार्क है वो आपको आंध्रा में देखने को मिलता है। और अगर पूछा जाता है कि एक्वा मेगा फूड पार्क जो है इंडिया का वो भी सबसे पहला कहाँ था, तो भी आंध्रा होगा। अलग अलग स्टेट में भी अब हो गए हैं तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी आपको कोई ना कोई देखने को मिलेगा। बट फॉर इंडिया आंसर विल बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर होगा क्या, जो फूड प्रोसेसिंग करी जाती है उसमें और किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसका सेंटर या फिर जिसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो न्यूज़ जो है दोबारा से चीफ जस्टिस के बारे में, तो यार थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, फटाफट से इसको ध्यान रखते रहा करो। ओके, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे इंडिया जो है, बिल्कुल करेक्ट, ये पॉइंट बस हम सुनना चाह रहे थे। इंडिया जो है हंगर इंडेक्स के अंदर 102 रैंकिंग है उसकी, लेकिन फिर भी हम लोग इतना काम करते हैं, चाहे वो फूड के ऊपर हो। इंडिया में देखो अगर आप तो टीबी की जो केसेस हैं वो भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में पैसा लगाते हैं, लेकिन फिर भी जो आउटकम है ना वो हमारा नहीं आता। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी कोई भी चीज़ पढ़ो हमेशा नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर उसका कोई आउटकम नहीं निकला तो लाइफ में किसी मतलब का नहीं रह जाएगा वो। ठीक है, अब देखो जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक टेक्स ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय। मेघालय हाईकोर्ट के अभी हाल ही में जो न्यायमूर्ति के रूप में जिनकी नियुक्ति करी गई है वो कौन है? मोहम्मद रफ़ीक जी हैं। और अब ये किसकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम भी ध्यान रखिएगा, अजय कुमार मित्तल जी की जगह पर इनकी नियुक्ति करी गई है। अजय कुमार मित्तल जी जो हैं वो अभी हाल ही में एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, कहाँ पर? एमपी के अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये कहाँ पर अपॉइंट किए हैं, एमपी के अंदर, और ये कहाँ पर आए हैं तो ये आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो एमपी आया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कहाँ पर? एमपी के अंदर। इसके बाद जो संस्कृत महोत्सव आपको देखने को मिला या फिर कल्चरल पूरा एक आपको प्रोग्राम देखने को मिला, उसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई? एमपी के अंदर ही हुई है। और आज जो हम स्टेट डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेट भी एमपी ही है, तो बी प्रिपेयर्ड, लास्ट में बिल्कुल आपको स्टेट भी मिलेगी। यहाँ मेघालय के गवर्नर कौन है? तो तथागत रॉय जी यहाँ पर राज्यपाल के रूप में देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने शायद वो पॉइंट रिपीट भी किया था कि इनको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? गवर्नर ही करेगा। गवर्नर अगर पूछा जाएगा तो यार इसका आर्टिकल नंबर याद रखना, आर्टिकल नंबर 153 है। अगर पूछा जाता है कि एक से ज्यादा राज्यों के लिए जो राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आंसर क्या होगा? 155 इसका आंसर होगा। वेरी गुड प्रदीप जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो। बस यार, बस यही चाहते हैं यार आप लोग का सिलेक्शन होता रहे, और क्या चाहिए यार। हम लोग के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना वो आपसे बस यही होता है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सुबह जो आप लोग अपनी नींद खराब करके बैठते हो ना 7 से 8 बजे के बीच में, आई नो नींद सबकी खराब होती है, लेकिन यार अगर वहाँ से कुछ अच्छा मिल रहा है, अगर उससे आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो टाइम है वो बर्बाद हो रहा है। अब देखो मेघालय आया है तो ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? शिलोंग हो जाएगी। सीएम कौन है? संगमा जी हैं। और उसके बाद यहाँ पर नोकरेक और यहाँ पर बाका पक्रम नेशनल पार्क देखने को मिलता है। बट लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेघालय नजर आ रहा है, मेघालय की एक तरफ देखोगे तो आपको बांग्लादेश मिलेगा और साथ में आसाम वो स्टेट है जो कि यहाँ तीनों तरफ से मेघालय को कवर करता है। कई बार स्टार्टिंग में पूछ लिया जाता है कि जो मेघालय है वो 3 साइड से कौन से स्टेट से कवर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आसाम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ लग रही है? तो बांग्लादेश के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है। नेक्स्ट, इसी जगह पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ पहाड़ी इलाका भी मिलेगा या फिर हिल्स भी मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं गारो, खासी और जयंतिया, और ये यहाँ पर ट्राइब्स भी हैं, जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। और यही मेघालय के अंदर वो जगह भी है जहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, और वो कौन सी है? मौसम ग्राम है। चेरापूंजी पूछी जाएगी तो वो भी यहीं पर है, बट हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर? मौसम ग्राम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगली न्यूज़ यहाँ पर आसाम से जुड़ी हुई है। भैया आज है 14 नवंबर, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी स्कीम्स भी जो हैं अलग अलग स्टेट में लॉन्च होंगी। फिलहाल जो है वो आसाम ने पहले ही बोल दिया था, तो न्यूज़ आपके सामने आ गई है। देखो न्यूज़ क्या है, शिशु सुरक्षा ऐप जो है वो आसाम के अंदर लॉन्च होने वाला है। आसाम में आपको पता ही है अलग अलग यहाँ पे जो स्कीम्स वगैरह हैं वो लॉन्च करते रहते हैं, तो अब यहाँ पे एक नया ऐप लॉन्च होने वाला है। भैया काम क्या करेगा? देखो इसका काम ये होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि जो बच्चे हैं उनके जो अधिकार हैं उनको बचाने का काम कौन करेगा? शिशु सुरक्षा ऐप करेगा। सेकेंडली यहाँ पे द ऐप कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कंप्लेनिंग, यानी कि अगर मान लो कि बच्चों का अगर शोषण हो रहा है या फिर उनके अधिकारों को उन तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, तो उस केस में आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए आप कंप्लेन भी कर सकते हो गवर्नमेंट को, डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सीएम कौन है यहाँ पे? सोनोवाल जी हैं। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी आपको आसाम के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। पर देखो ध्यान दो, चाइल्ड राइट आया है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको 2 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और 24, यही है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन वाले आर्टिकल्स हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो चाइल्ड लेबर है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 24। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछ लिया जाता है। मान लो आपसे स्कीम नहीं पूछा, आपसे स्टेट नहीं पूछा, आपसे डायरेक्टली यही आर्टिकल पूछ लिया तो क्या होगा? आर्टिकल तो पता ही, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, है ना। अब देखो आसाम की लोकेशन, आसाम जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, और 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इसका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। पहला है भूटान, दूसरा कौन सा है? बांग्लादेश है। नेक्स्ट पॉइंट, आसाम के साथ वो सारे के सारे राज्य लगते हैं जो आपको इस एरिया में मिलेंगे, और इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना यार। अगर कोई सवाल प्लीज रह जाता है, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में सेशन खत्म होने के बाद मेंशन करके एक बार पूछ जरूर लेना, ठीक है, प्लीज पूछ लीजिएगा एक बार। अब आपको और क्या ध्यान रखना है, आसाम में सबसे पहली चीज यहाँ आपको मिलेगी ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ से निकल कर आती है, अरुणाचल से क्रॉस करेगी, आसाम से क्रॉस करेगी और कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो रिवर के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इतना डिटेल क्यों बता रहे हैं भैया, इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था नेशनल वाटरवे 2 के बारे में, जहां पे सबसे पहला कार्गो चलाया गया, तो ये नेशनल वाटरवे 2 जो है वो कौन सी रिवर पे है, आंसर विल बी ब्रह्मपुत्र। अगर पूछा जाता है नेशनल वाटरवे 1 जो है वो कौन सी रिवर पे है, तो आंसर क्या होगा, गंगा उसका आंसर होगा। दो अलग चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर देखो सिलेक्शन जो है, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो कई बार ऐसा हो जाता है कि फाइनल सिलेक्शन किसी रीजंस की वजह से नहीं हो पाता, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है यार। अगर आपने अपना पूरा 100% या 200% दिया है तो लाइफ में सिलेक्शन जरूर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखो। कभी भी आपकी जो मेहनत है वो कभी वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं से वो आपको हमेशा सक्सेस लेकर जरूर आता है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ है, फटाफट से देख लीजिएगा। बोलिविया के जो राष्ट्रपति हैं इवो मोरेल, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, अपना रिजाइन दे दिया है। क्यों रिजाइन दिया है वो भी बताते हैं। और इनको अब शरण मिल गया है या फिर एसाइलम मिल गया है मैक्सिको के अंदर। तो देखो सबसे पहला तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, बस हम ये जान लेते हैं कि भैया ये ऐसा हुआ क्यों। देखो बोलिविया जो है ये एक जगह है, एक कंट्री है, कहाँ पे, साउथ अमेरिका के अंदर। बोलिविया के जो प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी 2 बार से प्रेसिडेंट बन रहे थे और तीसरी बार भी जब इलेक्शन हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा घपलाबाजी करी और वहाँ पे जो वोट वगैरह है वो इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। अब वहाँ क्या हुआ कि जब वोटिंग काउंट वगैरह होना शुरू हुआ तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, जिसके चलते इनको ये कंट्री छोड़ के भागना पड़ा और इनको शरण किसने दे दिया, मैक्सिको ने इनको अपने यहाँ पे रख लिया कि आइए आपका स्वागत है, आप हमारे यहाँ पर आके रह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इवो मोरेल जो हैं वो कहाँ के राष्ट्रपति थे, आंसर क्या होगा, बोलिविया। नेक्स्ट बोलिविया आया है तो इसकी 2 कैपिटल हैं सुक्रे और लापास, और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, बोलिविनो जो है वो इसकी करेंसी हो जाएगी। भैया लोकेशन देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा हमारा प्यारा भारत इंडिया। और इधर अगर आप देखोगे तो दिस रीजन इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपको नजर आ रहा होगा बोलिविया, थोड़ा सा जूम कर लो, इधर की तरफ आ जाओ, साउथ अमेरिका रीजन में देखो तो दिस इज बोलिविया है ना, और यहीं पर बोलिविया है। और इसके जस्ट नीचे देखो यहाँ पर आपको मिलेगी कंट्री पेराग्वे। बोलिविया और पेराग्वे 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। एग्जाम में पूछा जाता है लैंड लॉक कंट्रीज का नाम बता दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलिविया एंड पेराग्वे। इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन यमन। यमन एक कंट्री है जो कि आपको देखने को मिलेगी, एशिया का ही पार्ट है। यहाँ पर अभी हाल ही में हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। भैया क्यों करी गई, देखो अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, इबोला के चलते कॉन्गो जो कंट्री है अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। उसके बाद श्रीलंका ने बोला कि हमारे यहाँ से जो मीजल्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी। इंडिया ने बोला कि हमारे यहाँ पे जो पोलियो है उसके भैया केसेस फिर से मिलना शुरू हो गए, जबकि इंडिया जो है वो तो पोलियो मुक्त है। अब यमन में क्या हुआ, यमन में अगर हम देखें तो मलेरिया और डेंगू के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते यमन ने अपने यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। एक तो वैसे ही इतने सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ सिविल वॉर चलती रहती है, ऊपर से ये सारी बीमारियाँ, तो मतलब कंट्री करे तो करे क्या। अब यहाँ केसेस की बात करो तो करीबन 116522 जो केसेज हैं वो मलेरिया के देखने को मिले और 23,000 जो केसेज हैं वो आपको डेंगू फीवर के देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा, सिंपल सवाल आएगा, हेल्थ इमरजेंसी अभी कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया, आंसर विल बी यमन। कैपिटल सना, करेंसी क्या हो जाएगी, यमनी रियल इसकी करेंसी है। लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये जो रीजन नजर आ रहा है दिस इज आपका, ये जो पूरा एरिया है ये क्या हो जाएगा, आपका एशिया का रीजन है। सेकेंडली ये जो आपको पेनिनसुला देखने को मिल रहा है, जो प्रायद्वीप है, ये अरेबियन पेनिनसुला है जो कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। यही नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा यमन, थोड़ा सा जूम कर लो, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाओ, ऊपर मिलेगा सऊदी अरेबिया, इधर की तरफ मिलेगा ओमान। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यमन जो है वो कौन कौन से देशों के साथ लगता है, तो आंसर क्या होगा, सऊदी अरेबिया और ओमान इसका आंसर होगा। यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है एडन, और इधर की तरफ देखोगे तो रेड सी है, नीचे की तरफ देखोगे तो गल्फ ऑफ एडन है, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है बाब अल मंदाब स्ट्रेट। बाब अल मंदाब स्ट्रेट जो है वो रेड सी को कनेक्ट करती है किससे, गल्फ ऑफ एडन से, याद रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो भैया देखो आज 14 नवंबर सबको पता है चिल्ड्रंस डे है, लेकिन इसके साथ में वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है जो कि 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? द फैमिली एंड डायबिटीज। तो इसको आपको ध्यान रखना है और जितने भी डेज हैं वो सारे मैं आपको पिछले 5 दिनों से याद करा रही हूँ, तो भूलिएगा मत। सबसे पहला 1 नवंबर को टोटल 5 स्टेट हैं जिनका फाउंडेशन डे होता है। 9 नवंबर को मैंने आपको बताया था उत्तराखंड का फाउंडेशन डे होता है, तो जितने फाउंडेशन डे हैं उनको एक जगह पे लिख लीजिएगा। हैप्पी बर्थडे मैम, नहीं मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज, इट्स नॉट माय बर्थडे। ओके चलो अब स्पोर्ट्स सेक्शन पे आते हैं। अंकित नरवाल और अमन ये दोनों ही कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? फटाक से आंसर करो। और सेशन को तुम लोग क्या शेयर वेयर नहीं कर रहे हो? थोड़ा सा सेशन को शेयर वेयर कर दिया करिए। हाँ बिल्कुल, इंडिया जो है वो पोलियो मुक्त बहुत पहले डिक्लेयर हो चुका है, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी तो यही बोला, लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या कह सकते हैं, खैर नो कमेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बॉक्सिंग। अब देखो भैया ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो बॉक्सर्स हैं अभी हाल ही में ये लोग पहुंच गए हैं क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। कौन से स्पोर्ट्स के या कौन से गेम्स के? तो ऑब्वियस सी बात है बॉक्सिंग का ही होगा। एशियन यूथ चैंपियनशिप जो है जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मंगोलिया के उलर बातर के अंदर, ये क्या है, ये इसकी कैपिटल है, किसकी? मंगोलिया की। यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूथ एशिया चैंपियनशिप और ये जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है? बॉक्सिंग से ये जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखना है दोनों ही किस में पहुंचे, क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे हैं। अगर यहाँ पे मंगोलिया की करेंसी पूछी जाएगी तो टोगरक जो है वो इसकी करेंसी है और मंगोलिया जो है वो सैंडविच कंट्री है बिटवीन रशिया एंड चाइना। इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ पुराना रिवाइज कर लेते हैं, कौन से स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, किससे जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। सुमित नागपाल टेनिस से जुड़े हुए, संदीप चौधरी और सुमित जेवलाइन थ्रो से जुड़े हुए, सुंदर सिंह जेवलाइन थ्रोअर हैं और दीपक चाचर जो हैं ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया। शेफाली वर्मा का भी नाम याद रखना, शेफाली वर्मा भी क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट देखो कुछ और न्यूज़। यंगेस्ट चेस इंटरनेशनल मास्टर कौन बन गए? तो अभिमन्यु मिश्रा जी जो हैं ये अभी हाल ही में यंगेस्ट चेस इंटरनेशनल मास्टर जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं। इनकी एज कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इनकी जो नेशनैलिटी है ना वो इंडो अमेरिकन है, मतलब समझ सकते हैं इंडियन है और अमेरिका में रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रौनक सदवानी बिकम्स इंडिया 65th ग्रैंड मास्टर। अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछता है कि इंडिया की तरफ से 65th ग्रैंड मास्टर को किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है या फिर ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं या फिर अगर इनका नाम आया है तो क्या ये ग्रैंड मास्टर हैं कि नहीं है, सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथन आनंद का नाम किससे जुड़ा हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था, ये सब एग्जाम में आता है यार, ये सब आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ एक है और वो क्या है? रिवीजन, क्योंकि ये पॉइंट तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं ना, ये पॉइंट तो आपको मुझे बताना चाहिए। अब देखो मैंने जो होमवर्क दिया ना स्टार्टिंग में, मुझे उसका आंसर चाहिए, कमेंट सेक्शन में पूरा डिटेल में आंसर आना चाहिए, बिल्कुल भी एक लाइन में लिख के छोड़ना मत, ठीक। अब देखो स्टेट आ गया, स्टेट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट कौन सा रहेगा? एमपी रहेगा, द हार्ट ऑफ इंडिया। देखो कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम कौन है? कमलनाथ जी। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन जी। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने जिले हैं? 51। नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रट लो यार, एमपी के ऊपर नेशनल पार्क पे बहुत सारे सवाल पूछता है क्योंकि मैक्सिमम नेशनल पार्क्स आपको एमपी के अंदर ही देखने को मिलते हैं। देखो कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच और बांधवगढ़। यहाँ पे अगर मान लो पन्ना के ऊपर पूछा जाता है सवाल तो आपको ध्यान रखना है एमपी के अंदर तो है, यहीं पर आपको एक और रिवर भी देखने को मिलती है जिसका नाम है केन और बेतवा। तो अगर पूछा जाता है केन और बेतवा रिवर तो भी आंसर क्या हो जाएगा? पन्ना। पन्ना के किनारे पे ही आपको ये मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो गांधी सागर डैम चंबल रिवर के ऊपर है, बना सागर डैम सोन नदी के ऊपर है। सोन के लिए जरा थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये सहायक नदी है किसकी? गंगा की सहायक नदी है, बट इसका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ है, यानी कि नीचे से जाते हुए वो ऊपर जाके गंगा से कनेक्ट होती है। गंगा की सहायक नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए अच्छा सूरज जी आपने अच्छा क्या बोला था, प्लीज़ एक बार रिपीट कर दो, मैंने देख नहीं पाया था कि आपका मैसेज क्या था, सॉरी, प्लीज़ एक बार रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे झीलें कौन कौन सी हैं, अगर ओके सॉरी हाँ 52 है, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे प्लीज इसको करेक्ट कर लेना है। एमपी में जो डिस्ट्रिक्ट का नंबर है आई थिंक ये गलत यहाँ पे मेंशन है, इट्स 52, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, इट्स 52, ओके। ई वेस्ट प्लांट है, अभी एमपी की जितनी न्यूज है वो अभी आ रही है, वो लाइन अप पे आ गया। अब देखो झीलें कौन सी है, भुजताल है, लोअर लेक है और तावा रिजर्वॉयर मिलेगा। उसके बाद कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से भगौरिया डांस फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ट्राइब्स में देखो तो ट्राइब्स एक बार से रीड आउट करिएगा, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा खजुराहो फेस्टिवल पूछा जाता है। बी प्रिपेयर, खजुराहो टेम्पल या फिर खजुराहो फेस्टिवल ये कहाँ पर है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एमपी इसका आंसर होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत शुरू हुआ ही था, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो जितने भी फेस्टिवल्स हैं एमपी के वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सीट्स 29 है, राज्यसभा सीट्स 11 हो जाएंगी। ठीक है, लालजी टंडन जी हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ओके ओके, अब देखो बस सारे न्यूज़ के पॉइंट पर हैं। अब देखो एमपी के अंदर सबसे पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया। भोपाल मेट्रो जो है उसका नाम राजा भोज जी के नाम पे कन्वर्ट किया गया। एमपी के अंदर अभी हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान को बहुत लंबे समय तक यानी कि पूरे 1 महीने तक चलाया गया। गोविंदा जी को अपॉइंट किया गया है टूरिज्म के लिए। एमपी के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गोविंदा जी को एज अ एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जो है वो भी एमपी ने शुरू किया और इस हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के अंदर टाइम्स बैंक की भी शुरुआत हुई। मतलब इसमें पैसा ट्रांसफर नहीं करना होता है, इसमें जो सर्विसेज हैं उसका एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कि अगर मैंने कोई काम आपके लिए किया तो वही उसी तरीके से आप भी मेरे लिए कोई काम कर सकते हो, बट आपको पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट, एमपी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में बोला है कि ऑनलाइन एडॉप्शन हम लोग शुरू करेंगे, किसके लिए, गाय के लिए, ताकि उनको बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो मुख्यमंत्री मदद योजना जो है वो कौन से स्टेट में स्टार्ट हुई, ये भी एमपी के अंदर स्टार्ट हुई। उसके बाद यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया है 4900 करोड़ रुपीस का, किसके लिए, कोसी और मेची रिवर के इंटरकनेक्ट करने के लिए या फिर इंटरलिंकिंग के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो रिवर है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने केन बेतवा बताई, बस उसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में देखो आज कौन सी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। भैया बड़ा न्यूज़ में छाया हुआ था, मैंने सोचा आज हम लोग इसको डिस्कस करें। ध्यान से सुन लेना, 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो सबसे पहली चीज़ फूड एंड एग्रीकल्चर है, तो ऑब्वियसली बात है खाने पीने के बारे में बात करेगा। काम क्या करेगा, हंगर जो है उसको क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। और जितना भी हम लोग जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन लेवल को और कैसे बढ़ाया जा सकता है ये काम भी ये करेगा। इसके बाद में एग्रीकल्चर जो है यानी कि जो किसान वगैरह होते हैं वो और किस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को डिसाइड करना या उनके लिए यहाँ पे चीज़ों को स्कीम्स को लेकर आना, ये सारा काम किसका होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम इटली के अंदर है। कब स्टैब्लिश हुआ, 1945 में स्टैब्लिश हुआ। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा और इसको डिक्लेयर किया है किसने, यूएन ने, लेकिन किसके कहने पर किया है, तो एफएओ के कहने पे ही ये दिन जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है, बल्कि ये जो ईयर है पूरा डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट देखो इंडिया ने अभी हाल ही में 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में भी मनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, पेट सवाल बनेगा। ग्लोब फिश, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज ग्लोब फिश, तो ध्यान रखिएगा ये एक तरीके की यूनिट है, एक तरीके का हिस्सा है किसका, एफएओ का। और ये काम किस पे करता है, इंटरनेशनल जो फिशों का जो ट्रेड होता है ना, फिशरी का जो ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है ग्लोब फिश। और ये जो सवाल है ये ऑलरेडी यूपीएससी के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो देखो यार जितने भी सवाल हैं ना अगर कहीं ना कहीं आए हुए हैं तो ज़रूरी होता है कि मैं आपको बताती जाऊँ। पहला सवाल क्विज का, फटाक से आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करो। पहला सवाल, बफेलो रेस जो है जिसको हम कंपाला के नाम से भी जानते हैं, ये रेस कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज करी जाती है। पीडीएफ जो है सेशन में आपको 11 बजे मिल जाएगी, जहां पे आपको वीडियो दिखेगा उसके जस्ट नीचे जो पीडीएफ है वो अटैच होती है। सबसे पहला जो कमेंट होगा वो पीडीएफ का ही होगा। आंसर, इसका आंसर होगा कर्नाटका। आप लोग वो मूवी देखिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें लास्ट में वो जो होता है ना, जो एक तरीके से होता है कि रेड कलर का वो एक होता है, उसमें जाके बुल फाइट जैसा कुछ होता है, तो दैट इज सेम। ठीक है, उसी तरीके का आपको ये मिलता है। ठीक, कहाँ पे, कर्नाटका। और अगर पूछ लिया जाए वो जो स्पेन का फेस्टिवल मनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से इंडिया में कौन सा फेस्टिवल है, एज इट इज कौन सा फेस्टिवल है, तो वो जलीकट्टू फेस्टिवल है, जिस पे मैंने अभी सवाल बनाया हुआ है, वो आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट, अपातानी ट्राइब, ये जो जनजाति है कौन से राज्य में देखने को मिलती है, अपातानी ट्राइब। जल्दी से स्टेट का नाम बताओ, स्टेट का नाम, अपातानी ट्राइब। ये मिलेगी आपको अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, लेप्चा ट्राइब, लेप्चा ट्राइब ये जो जनजाति है ये कहां पे मिलेगी, फटाक से आंसर करो, इतना टाइम नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाक से आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट, पीएमसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, पीएमसी बैंक बेचारा जो आजकल बड़ा सदमे में चल रहा है, जल्दी से आंसर करो। हाँ जी, ये क्लास रोज़ होती है, जितने लोग अगर पहली बार जुड़े हो तो क्लास का टाइम सुबह 7 बजे है, तो सुबह 7 बजे आप सेशन में जुड़ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। और अगला सवाल, अगला सवाल, जलीकट्टू खेल कौन से राज्य से संबंधित है? स्टेट का नाम, स्टेट का नाम क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का वो सेशन रहा वहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे किसी भी चीज़ से क्वेश्चन ना जुड़ा हो, चाहे वो न्यूज़ का सेक्शन हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिली होंगी। बट ये रहा आपका होमवर्क का सेशन जो आपको करना है, और कमेंट सेक्शन में जाके आपको सारे पॉइंट्स बताने हैं। अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो रीड हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैसेज बड़ी तेज़ी से जाते हैं, तो आप अपना सवाल जो है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, सेशन का जो टाइम है वो सुबह 7 बजे का होता है। सुबह 7 बजे आपके साथ मेरी कल भी मुलाकात होगी न्यूज़ के साथ ही, एज यूजुअल। लेकिन अब आपको कुछ क्लास के टाइमिंग्स बता दें, या आपका जो एसएससी सीपीओ वगैरह के जो बैचेस चल रहे हैं ना, उसमें सर जो है वो आपकी रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं, और सर का जो टाइम है ना, जो टाइम स्लॉट है वो आपको मिलेगा 9:15 बजे। तो अगर आप सीपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, कल आपको मिला था बाहुबली सेशन, आज आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बेस पे साइंस के सवाल मिल रहे हैं। यार अगर एनसीईआरटी पढ़ ली ना आपने, चाहे वो आपकी बायो हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपकी लाइफ सेट है। तो सर के साथ जो जीएस का क्लास होगा वो आपको मिलेगा शाम के 7 बजे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंग्लिश के भी कुछ क्लासेस हैं जो कि लाइंड अप होते हैं। आप जिस भी फील्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ से चीज़ों को चूज आउट कर सकते हो। सीपीओ और सीजीएल के लिए जो एसएससी की क्लासेस हैं वो इंग्लिश की आपके इंग्लिश मेंटोर कंडक्ट कराते हैं। कितने बजे? 7:45 बजे। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, 7:45 बजे यानी कि 7:45 पे ये क्लास कंडक्ट होता है शाम को। सुबह नहीं, सुबह तो 7 से 8 मेरी ही क्लास है, तो शाम में आपको ये क्लास देखने को मिलेगा। तो सर के साथ कनेक्ट होना बिल्कुल मत भूला करो यार। सर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको इतना अच्छा पढ़ाते हैं, फिर भी पता नहीं आप लोग कहाँ खोए रहते हो। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश बाइट्स का सेशन जो है वो आपको सुबह 6:30 बजे मिलता है। आपकी जो इंग्लिश मेंटोर है वो आपके साथ जुड़ती हैं। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पे रीजनिंग के भी कुछ क्लासेस हैं, वो भी आपको बता दें। IBPS क्लरिकल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो रीजनिंग की जो क्लासेस हैं वो आपके रीजनिंग के महागुरु लेकर आते हैं। तो सर के साथ कनेक्ट होना मत भूलिएगा सुबह 9 बजे। और आपकी जो फेवरेट रेलवे के जो सेशंस आते हैं वो आपकी फेवरेट जो मैम है, रीजनिंग मैम है, वो लेकर आती हैं, दबंग मैम। कितने बजे? 6:15 बजे। तो मैम के साथ कनेक्ट होना मत भूलिएगा। अगला सेशन जो है वो आपका एडिटोरियल का सेशन है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे मुझे पता है आप लोग लाइक कर देते हैं। PDF का टाइम आपको फिर से एक बार बता दें, 11 बजे जो है वो आपको PDF मिल जाएगा एज यूजुअल। वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ ना दिखे तो सबसे पहला जो कमेंट होगा वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।